ये वाटरफॉल अपने साथ इतना ज़्यादा मलबा ले आया कि पूरी रोड यहाँ पे कुछ दिन पहले तोड़ दी थी। बाकी आप सभी का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पूरी सीरीज पे। माँ पापा का मन पहले से अजीब सा हो रहा था, बल ट्रिप में पहले से गड़बड़ी हो रही थी ना। मधुगंगा नदी में खूब सारा पानी आया हुआ है और यहाँ से ना ठीक सामने वाली पहाड़ी पे एक प्यारा सा झरना बह रहा है, गजब का दिख रहा है भाई। और बॉडी जी ने हमारा पारंपरिक पहनावा पहना है लवा। तो अभी सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो आज बाहर देखिए खूब सारी बारिश लग रही है कल रात भर से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध महेश्वर वैली के रांसी गांव से। रात भर से लगातार बारिश लगी जा रही है और कोहरा देखिए कैसे ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहा है। कल शाम को हम मंडानी ट्रैक से वापसी आ गए थे और आज सुबह पैरों में जो दर्द हुआ ना, क्या ही बोले, मतलब पूरे सफर की थकान अब जाके लग रही है पैरों पे। हम यहाँ पे रुके हैं कूल पहाड़ी दीपक विश के घर पे और अभी नाश्ता वगैरह कर दिया है, यहीं फंस गए हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मंडानी वैली का पहला एपिसोड भी आ चुका है, बाकी मौसम भी थोड़ा सही हो गया है। देखिए जी यहाँ पे चाचा जी और चाची जी ने खाना बना के तैयार कर दिया है लकड़ी वाले चूल्हे में और स्वादिष्ट सा लंच बनके भी तैयार हो चुका है। और बहुत दिनों के बाद घर का खाना मिला है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लंच भी हो गया है, मौसम भी ठीक है, अब थोड़ी देर में हम भी निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। कुलपाड़ी ने तो कपड़े धुलवा दिए और अभी मुझे ये सारा काम बाकी है, घर पे जाके सारे काम निपटाने हैं। और यहाँ से ना ठीक सामने वाली पहाड़ी पे एक प्यारा सा झरना बह रहा है, गजब का दिख रहा है भाई। यहाँ पे सभी लगे हैं एडिटिंग पे। वेलकम 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 फूड ब्लॉगर, वेलकम। ट्रिप से आने के बाद यही होता है। और ये बोला स्पीड तो भाई होगी थी, स्पीड तो इनकी है भाई, दो दिन इन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। शाम के करेक्ट 5 बज रहे हैं, रांसी गांव के खूबसूरत नजारे भी देख लिए। यहाँ पे आरटीके भी आया है और अनुज भी आया है, तो यहाँ पे दीपक के ताऊ जी, ताई जी और यहाँ पे बड़ी ताई जी बैठी हैं। और बॉडी जी ने हमारा पारंपरिक पहनावा पहना है लवा, बुजुर्ग लोग यही पहनते हैं ज्यादातर। दीपक भाई के घर के चारों ओर खूब सारी हरियाली है और यहाँ पे देखिए खूब सारा पानी आ रहा है आजकल। और यहाँ देखिए धान की फसल पे छोटी छोटी बालियां भी आने लगी है क्योंकि काफी ठंडा इलाका है और धान की फसल यहाँ पहाड़ों से नीचे शहरों की ओर जाती है पक्के। यहाँ कटाई शुरू हो जाती है और हमारे गाँव में 10-15 दिनों के बाद होती है कटाई। और अभी मैं चप्पलों में ही घर को जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि ट्रैक पर जूते भयंकर तरीके से भीगे हुए थे और कल रात की बारिश से देखिए यहाँ खूब सारा पानी आया है रोड में। चलो जी यहाँ पे अंशु के होटल के ठीक सामने पे अपनी बाइक को पार्क करा था, बाकी बहुत दिन हो गए चलाई नहीं। और यहाँ से देखिए सामने के नज़ारे, सामने की पहाड़ी पे तो बहुत सारे झरने बादल सब कुछ लगे हुए हैं। ठीक है भाई, अच्छा रहा ट्रैक, ठीक है कैलाश भाई मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है अनुज मिलते हैं। ठीक है भाई, कुछ गलती हुई होगी माफ करना। बिल्कुल, तो चलो जी रांसी गांव से निकल पड़ते हैं। पिछले 4-5 दिनों से हम यहीं मधमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों में घूम रहे थे। बाकी जिस दिन ट्रिप की शुरुआत हुई थी बाइक नीचे गिर गई थी, अगले दिन बैग का तोड़ा टूटा, स्ट्रिप टूटी, फिर उसके बाद ट्राइपॉड टूटा। और मुझे एक बारी के लिए ऐसे लगा कि कहीं ये ट्रिप कहीं पूरी गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा। बाकी आप सभी का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पूरी सीरीज पे, तो थैंक यू सो मच। फ्यूचर में हम ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स करने वाले हैं सारे दोस्त मिलके। और इस साल के इस वाले ट्रैक ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी बॉडी की लिमिट मुझे पता चली। तो ये है जी पहाड़ों की खतरनाक सी सड़कें, पूरा पानी यहाँ आया और रोड की पूरी दीवार तोड़ के नीचे ले गया। वैसी जगहों पे ना बहुत डर बना रहता है भाई। अब यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है मनसुना और गिरिया गांव। आजकल मानसून के टाइम पे यहाँ पहाड़ों में एक चीज़ तो कॉमन है,
हर जगह पे आपको झरने दिखेंगे, पानी दिखेगा, खूब सारा पानी आ रहा है इस नदी में। तो यहाँ पे भी देखिए सामने कितना प्यारा सा एक वाटरफॉल है, और ये पानी ना बहुत ऊपर से आ रहा है, वहाँ भी वाटरफॉल बन रहा है, उसके नीचे भी, यहाँ पे भी, और नीचे जाते हुए न जाने कितने सारे वाटरफॉल बन जाएंगे। पर ये झरने जितने खूबसूरत दिखते हैं, बारिश के बाद उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। इन जगहों तक पहले रोड नहीं थी, तो सोचिए लोग यहाँ इतनी दूर तक मेन मार्केट से सामान कैसे लाते होंगे। और ठीक सामने देखिए कितना प्यारा सा एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये वाटरफॉल अपने साथ इतना ज्यादा मलबा ले आया कि पूरी रोड यहाँ पे कुछ दिन पहले तोड़ दी थी। पानी की इतनी भयंकर फुहार आ रही है यहाँ ऊपर से, क्या ही बोले, गजब का माहौल है भाई। पर देखिए जितना दिखने में सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। नमस्ते तेनु के वे, हेलो तेनु के वे, अच्छा आते गो काकचे, ओ मैं पा गिरी हो छू प्रणाम, ये क्या जा रही थी? अच्छा देखिए जी, गांव के छोटे छोटे बच्चे बचपन से सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों को हाथ जोड़ो। जगह जगह रोड पे गड्ढे बने हुए हैं, सरकार को इन चीज़ों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी बहुत सारे यात्री लोग आते हैं। पिछले साल तक यहाँ पे घराट भी चलता था, लेकिन इस साल तो मैंने देखा नहीं कि घराट चल रहा हो। इन जगहों पे देखिए ऊपर से पत्थर गिरने का डर, और यहाँ पे ये ताई लोग लगे हुए हैं गिट्टी वगैरह तोड़ने पे, और सारे जो घोड़े खच्चर हैं आजकल गाँव की तरफ ही आगे हैं यात्रा रूट से। और यहाँ पे ना एक बड़ा सा ग्राउंड था क्रिकेट खेलने का, कुल पहाड़ी, दीपक बीस्ट, अंशु, ये लोग ना यहीं पे क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने जब वीडियो में देखा मेरी, तो बोले थे कि हमारी पिच खराब होगी, यहाँ इन जगहों पे पत्थर गिरने का भयंकर वाला डर रहता है, तो फटाफट से निकला जाए, क्योंकि ऐसे वहाँ पे ज्यादा रुके तो कुछ भी हो सकता है भाई। अब ये है जुगासू का पुल, और यहाँ नीचे देखिए मधुगंगा नदी में खूब सारा पानी आया हुआ है, बहुत ही मटमैला, यहाँ से देखने में ना नजर बहस ही रही है। बहुत दिनों के बाद पहुंच चुके हैं अपने मनसूना मार्केट में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैंने अपने जूते दिए थे सुजान भाई के पास। ठीक है भाई जी, मिलते हैं, अच्छी रही ट्रिप। तो एक बार घर की ओर जाने से पहले मुझे जाना है पुराने वाले घर तक माँ को लेने के लिए। अच्छा और चलो जी, माँ गाड़ी में आ चुकी है। बाकी यहाँ पे अगर डब्बा मिलेगा तो थोड़ा सा बाइक की धुलाई भी कर देते हैं। चलो जी, यहाँ पे एक डब्बा तो मिल गया मुझे। आजकल खूब सारा पानी है भाई पहाड़ों में। गांव में आके तो अलग ही सुकून मिलता है भाई, क्या ही बोले। बाकी माँ और वो बॉडी जी जो मिली हैं वो बातें कर रहे, बोल रहे कितनी चढ़ाई थी, वीडियो देखी होगी ना। मननी वैली की यात्रा यहाँ घर से शुरू हुई थी और सेफली घर तक पहुँच चुका हूँ। इस बैग में ना मेरे कपड़े कम और वो भीगे हुए हैं, उनका वेट ज्यादा लग रहा है। बाकी इस बैग का जो स्ट्रिप था ये टूटा था, लेकिन इस पे जो ये बेल्ट लगी थी ना ये बड़े काम की आई। पूरी ट्रिप मैंने इसी बेल्ट के सहारे करी। मेरा घर ये यहाँ पे है, और हम गए थे ठीक सामने, यहाँ पे रांसी गांव है। रांसी गांव के ऊपर जो ये पहाड़ है ना, जहाँ ये बादल लगे हैं, इनसे भी बहुत पीछे। और पहले दिन हम रुके थे ठीक सामने पे, ये जो टॉप है ना यहाँ पे जहाँ वो बादल लगे हुए हैं, वो है सन्यारा खर्क। ये भाई पहुँच गए यात्रा से। पहले दिन पापा जी ने यहाँ घर से ऊपर सन्यरा बुग्याल में लेजर लाइट लगाई थी, और वहाँ से ऐसे दिख रहा था जैसे यहाँ कोई बड़ा सा हरा सा बल्ब जल रहा होगा। तो ऐसे हैं भाई ये पहाड़, दिखने में खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ इनकी चोटियों तक पहुँचना बड़ा मुश्किल सा रास्ता है। अभी एक दिन ये वाला पहाड़ भी चढ़ना है मुझे, वो ट्रैक भी जल्दी ही होने वाला है। देखिए जी, माँ पापा का मन पहले से अजीब सा हो रहा था, बल ट्रिप में पहले से गड़बड़ी हो रही थी ना। मैंने इनको नहीं बताया था कि बैग टूटा या वो बाइक से गिरा, तभी चला होगा जब वीडियो में देखी है। 12 बजे में बैठ में जब पुजोड़ो से लगी, बरखा से लगी भयंकर, अरे 12 बजे में बैठे 2 बजे में गई तब देवता था हाथ बोली मनना माई था महाराज तू देखी तब तब है नहीं तो नींद ये है घर वालों की चिंता। चलो जी, जो हुआ अच्छा हुआ, सेफली घर तक पहुंच चुके हैं। बाकी
आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे ट्रैक वाली वीडियोज आने वाले हैं। अभी कुछ दिनों तक आराम करेंगे घर में, ट्रैक की वीडियोज अभी एडिट करनी बाकी हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो ट्रिप से घर आने के बाद पहले ट्रिप पे जितनी भी हमने मेमोरीज कैप्चर करी हैं वो माँ पापा को दिखानी जरूरी रहती हैं।